नीतीश जी अगर अपनी पार्टी को मजबूती से बनाकर बचाकर रखते तो कोई चुनौती किसी कॉर्नर से कम 2024 चुनाव तक तो नहीं मिलने वाला। बेल पिटीशन भी कहीं लेकर जाए, वैसे लोगों के केस पर भी सरकार को विचार कर रहे हैं। सरकार ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, छोटा छोटा अपराध में। देखिए इसमें मेरे नज़रिया का क्या मतलब है, सरकार ने जो भी निर्णय लिया है सरकार का काम है, उसमें मेरी टिप्पणी और मेरे नज़रिया का तो कोई मतलब नहीं है। सरकार ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, जो कुछ भी किया सरकार ने सब लोगों के सामने है। हाँ, सरकार से इतना आग्रह है कि और भी बहुत सारे लोग जो गरीब लोग जिनको कोई देखने वाला नहीं है, छोटा छोटा अपराध में 15 साल 20 साल से बंद रहते हैं, कोई उनके परिवार में ऐसा नहीं है कि बेल पिटीशन भी कहीं लेकर जाए, वैसे लोगों के केस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। बाकी जो कुछ किया है सरकार ने अपनी जगह ठीक किया। अब इस विषय पर हमने बहुत गौर से देखा नहीं है, क्योंकि इस तरह का विषय सीधे हम लोगों से रिलेटेड नहीं है, इस पर क्या टिप्पणी करें। नीतीश जी लगातार कई राज्यों में दौरा कर रहे हैं। अच्छा, दौरा करने से कोई किसी को रोक देगा क्या? दौरा कर रहे हैं, लेकिन जिसका खुद ही अब आधार समाप्त है तो बाकी दौरा वगैरह का कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं। देश में अभी नरेंद्र मोदी जी को कोई चुनौती किसी कॉर्नर से कम 2024 चुनाव तक तो नहीं मिलने वाली। ऐसी परिस्थिति में दौरा करना, एक दूसरे से मुलाकात करना, उनकी स्वतंत्रता है, वो करें, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक मौका था नीतीश जी के सामने। नीतीश जी अगर अपनी पार्टी को मजबूती से बनाकर बचाकर रखते तो इस तरह की गुंजाइश हो सकती थी, लेकिन खुद ही उन्होंने ऐसा काम किया कि आज तो उनकी पूरी पार्टी ही बर्बाद है। तो एक बर्बाद पार्टी का नेता कहाँ कुछ कर सकता है? सिर्फ कर रहे हैं तो अब उनकी मर्जी।